हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक व्यंजनों के शौकीन के लिए राजधानी शिमला के रिज मैदान पर हिम एरा फूड कार्निवल का आगाज हो गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों के अलग अलग पारंपरिक व्यंजनों को परोसा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इसे 2 से 18 दिसंबर तक चलने वाली कार्निवल का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश की स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पाद और व्यंजन प्रदर्शित किए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आज कार्निवल का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि हिमाचल सरकार महिलाओं को सशक्त करने के लिए लगातार काम कर रही है और इसी उद्देश्य से शिमला के रिज मैदान पद्मदेव परिसर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद और व्यंजनों की प्रदर्शनी व बिक्री लगाई गई है, ताकि इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। हर जिले के अलग अलग पारंपरिक व्यंजन यहां पर परोसे जाएंगे, जिससे स्थानीय लोगों व पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक व्यंजनों के स्वाद के साथ संस्कृति की जानकारी भी मिलेगी। शिमला से चमन शर्मा की रिपोर्ट। साथ ही सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के भी को भी यहाँ पे सबको जो यहाँ जगह दी गई है, क्योंकि NRLM के तहत जो है वो अपने सामान बनाते हैं और जिसकी मार्केटिंग जो है ऑल ओवर इंडिया भी होती है। अभी ऑनलाइन भी जो है वो शुरू करी है, थोड़ी सी उसको आगे ले जाने का हमारा सपना भी है। और शिमला में ही यही सब करने के लिए जो एक परमानेंट फीचर रहे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से जो है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने और NRLM के तहत जो है उनसे स्वीकृति ली गई है। हम लोग जल्द ही जो है शिमला के अंदर जो है हिमाचल हाट जो है वो इसी स्तर पे जो है बनाने जा रहे हैं, जो कि परमानेंट फीचर जो है वो रहेगा। सर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और फाइनेंशियली कितने स्ट्रॉन्ग हो पा रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने भी यहाँ पूछा, कुछ लोग यहाँ आए हैं, मैंने पूछा पिछली बार भी आए थे कितनी सेल हुई थी, उन्होंने बोला 3.5 लाख रुपये की हमारी एक ही स्टॉल से जो है वो सेल हुई थी। और फूड आइटम्स में जो है वो अच्छा भी बचा पाते हैं और उससे ज़्यादा जो है वो बैजनाथ से थे। तो हमने भी उनसे जानकारी ली है कि आप वहाँ भी करते हैं, तो वो रेगुलर बेस पे भी अपने अपने सिटीज़ में अपने अपने टाउन्स में जो है ये परमानेंट कर रहे हैं। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि सभी जिलों के हेडक्वार्टर्स पे जहाँ अच्छी मार्केट हो वहाँ पे इनको जगह प्रदान करी जाए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, ताकि वो अपनी आजीविका जो है उसको और सबसे बड़ी बात इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है महिलाओं में, हमारी बहनों में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है जब वो खुद अपना कमाती है। हम नहीं चाहते वो किसी के आगे हाथ फैलाए, चाहे वो अपने घर वालों के आगे भी हाथ फैलाएं, अपना अपने पैरों पर खड़ा रहें। ये इसी मकसद से जो है उनको कैसे हम लोगों ने अपने पैरों पर खड़े करना है, सेल्फ सस्टेन बनाना है, इसी उद्देश्य से जो है कार्यक्रम जो है NRLM के तहत जो है वो समय समय पे जो है होते रहते हैं। सब जो हिमाचली फूड है, इस तरह से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है सर, इनके जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, वैसे तो इन्हें इस तरह की ऑनलाइन भी सर इनके लिए कुछ इस तरह का प्रावधान किया गया है? जी, ऑनलाइन अभी जो है प्रावधान अभी है सामान बेचने का, लेकिन हम डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत जो है एक प्लेटफॉर्म और एक ऐप जो है वो तैयार कर रहे हैं। सर, जो हिमाचली फूड है खासतौर पर हिमाचली धाम की अगर बात की जाए, क्योंकि अपने आप में अलग है, क्या सरकार या जो आपका विभाग है पेटेंट करने को लेकर जैसे कई चीज़ें रहती है, इस दिशा में कुछ ऐसे प्रयास करें, उस बारे में जो विचार किया जाएगा? सर, आपके महकमे से जुड़ा एक सवाल ग्राम भोज का। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।